स्वागत है आप सबका डिवाइन डेसी काउंसलर चैनल में। दोस्तों, आज एक और सक्सेस स्टोरी ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये कहानी भी इसलिए स्पेशल है क्योंकि इनका मैनिफेस्टेशन तो स्पेशल है ही, लेकिन पीछे जो इन्होंने बातें लिखी हुई है, इनकी समझ क्यों होता है, कैसे होता है, वो बहुत ही ज़्यादा एनलाइटिंग है, बहुत ही ज़्यादा मच्योर और रियल पर्सपेक्टिव है। शुरू करते हैं कहानी। ये लिखती है कि ये रोंडा बर्न सीक्रेट टीम की और सारे के सारे क्रिएटर की बहुत ज़्यादा आभारी है जो इंस्पायरिंग स्टोरीज यहाँ पे शेयर करते हैं। इसके अलावा और सारे एलओए मेंटर्स जैसे कि बॉब प्रॉक्टर, एब्राहम हिक्स, नेविल गोडार्ड, जोसेफ मर्फी, वो उनकी भी आभारी है। उन सबको ग्रैटिट्यूड देना चाहती है जिनकी वजह से ये सारे यूनिवर्सल लॉ के बारे में हम सब जान पाए। ये लिखती है कि इनकी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो चली गई थी। कुछ भी खाना इनके लिए पेनफुल था क्योंकि इनके मुंह के अंदर जो है वो गंदा टेस्ट बैठ गया था ना, मुंह कड़वा हो गया था ऐसे बोलते हैं। तो बेसिकली जो इनको कुछ बीमारी नहीं थी पर अपने आप में ही ये बीमारी लग गई थी कि इनकी स्मेल चली गई और इनको जो है वो खाने का स्वाद आना बंद हो गया। तो फिर हमारी ज़िंदगी ही पता नहीं क्या हो जाए अगर ऐसा हो जाए तो। इन्होंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, मेडिकेशन ली, लेकिन इनको दिल के अंदर पता था कि ये अपने आप को इस चीज़ के रिलेटेड ज़रूर हील कर सकती है क्योंकि मैं अपनी बॉडी से बढ़कर हूँ, सबसे पहली बात। सेकेंड, 2 महीने पास हो गए दवाई लेने के बाद, कुछ भी नहीं हुआ और मुझे थोड़ी सी चिंता होने लगी अब। सो देन वॉज व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई डू नॉट नीड एनी फिजिकल एंड मटीरियल थिंग इन ऑर्डर टू बी हैप्पी। ये दवाई वगैरह मुझे खुश नहीं कर सकती। क्या किया इन्होंने? इन्होंने लिखा है कि एज़ रोंडा बर्न बोलते हैं कि विजुलाइज करो अपने आप को हमेशा, दैट आई एम लव्ड एंड आई हैव ऑलरेडी रिसीव्ड ऑल माय डिज़ायर। मैं लव्ड हूँ, मैंने अपनी सारी की सारी जो इच्छाएं हैं वो पाली है। आई हैव रिसीव्ड एवरीथिंग आई वांटेड इन माय लाइफ, ऐसा मैंने मान लिया और मैं एक कांस्टेंट हैप्पीनेस के स्टेट के अंदर जीने लगी। एंड जस्ट वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग I realize that I have healed my bad smell and bad mouth problem. मतलब next day ही इनका ये जो healing है वो start हो गया जब इन्होंने realize कर दिया कि मैं happy हूँ, अब मैं smell कर सकती हूँ और taste कर सकती हूँ जैसे मैं पहले करती थी। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। इन्होंने 2 महीने मेडिकेशन ली, उसके बाद खुद अपने आप को विजुलाइज़ करना स्टार्ट कर दिया कि मैं लव्ड हूँ, मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी है। इन्होंने खुश रहना स्टार्ट कर दिया और मे बी जस्ट 1 or 2 डे के अंदर इनकी जो है वो स्मेल और टेस्ट लौट आया। सो इनकी हीलिंग हो गई। ये बॉडी के रिलेटेड सक्सेस स्टोरी थी, लेकिन इन्होंने जो लास्ट लाइन्स लिखी है, दोज आर एम्पावरिंग। ये सबसे पहले लिखती है कि मैं पर्सनली मानती हूँ कि की टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इज़ टू ट्रस्ट इन योरसेल्फ, अपने आप के ऊपर विश्वास करना एंड रियलाइज़ करना कि आप अपनी बॉडी से बढ़कर हैं, आप एक स्पिरिट है। अपने पास्ट बिलीफ को लेट गो करना जो आपको ट्रबल करती है, सी योरसेल्फ इन द फ्यूचर, ऑलरेडी विजुलाइज़ कि आप अपने लिए जो चाहते हैं फ्यूचर में वो ऑलरेडी बन चुके हैं। जब आप अपने आप को प्यार करते हैं, जब आप अपने आप को ट्रस्ट करते हैं, तब यूनिवर्स आपको जो चाहिए वो सारी की सारी चीज़ें देते हैं। ये पक्का है, नो मैटर वो क्या है और नो मैटर वो कितना बड़ा है, क्योंकि वो बड़ा सिर्फ आपके दिमाग में है, यूनिवर्स के दिमाग में नहीं है। पहले आप विश्वास कीजिए, ये इन्होंने ही लिखा है कि ये जो यूनिवर्स है, ये ब्रह्मांड है, ये अबंडेंट है और
अपने आप के ऊपर विश्वास कीजिए कि आप हील्ड है। मेक श्योर कीजिए कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट के अंदर हर एक चीज़ जो अभी प्रेजेंट है उसके लिए ग्रेटफुल है, और ये जानते रहिए कि आप अपना फ्यूचर इस क्षण के साथ को क्रिएट कर रहे हैं। लास्ट लाइन आप इन्होंने लिखी है कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सीइंग योर डिज़ायर मैनिफेस्ट इनटू द फिजिकल रियलिटी रिक्वायर्स यू टू स्टॉप वांटिंग एंड स्टार्ट बीइंग। तो इन्होंने जो है बेसिकली एक्ट एज इफ टेक्निक की बात की है कि रादर देन स्टॉप वांटिंग स्टार्ट बीइंग। जस्ट लाइक मेरी जॉब तो ऑलरेडी है, मैं सबको बता रही हूँ, मेरे पास ये पैसे ऑलरेडी है, मैं सबको बता रही हूँ, मेरा रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अच्छा है, मैं सबको बता रही हूँ, मेरा ये काम हो चुका है, मैं सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ। बी इन दैट स्टेट ऑफ डन, दैट इज़ व्हाट शी इज स्टेइंग। ये लिखती है कि स्टार्ट बीइंग व्हाट योर डिज़ायर वांट्स टू बी इन फ्यूचर, एंड आप बहुत ही जल्दी उसको अपने प्रेजेंट के अंदर रिसीव कर लेंगे। ये लिखती है कि मेरी प्रार्थना है कि जो कोई भी कुछ भी इमेजिन करे होप उसको रिसीव करे, माय लव एंड ग्रैटिट्यूड। ये बॉडी हीलिंग के रिलेटेड है, आप किसी भी चीज़ के रिलेटेड अप्लाई कर सकते हैं। आपको आँख की प्रॉब्लम है, बॉडी की प्रॉब्लम है, आपको बॉडी शेप के रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको अपने हेयर ठीक करने हैं। इन्होंने एक रात के अंदर ये मान के कि मैं अपनी बॉडी से बड़ी हूँ, मेरा कंट्रोल है, ये बॉडी मैंने क्रिएट की है, सो आई कैन मैनिफेस्ट, यू कैन डू एवरी डैम थिंग। इट इज़ जस्ट दैट आपको अपना मेंटल जो स्टेट है उसको बस शिफ्ट करने की ज़रूरत है। हज़ार बार बोलती आई हूँ, करोड़ बार और बोलूँगी, आप कर सकते हैं, आपकी बॉडी है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। विश्वास रखिए, मिलेंगे किसी और सक्सेस स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।